और बड़ी खबर इस वक्त की, केंद्रीय पर्यटन सांस्कृतिक मंत्री पहुंचे हैं, महेश चंद शर्मा पहुंचे हैं मिलने के लिए बापू के पोते से। प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर बापू के पोते से मिलने के लिए पहुंचे हैं महेश चंद शर्मा। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं और ज्यादा डिटेल्स के लिए रुक करते हैं जी मीडिया संवाददाता निवृत्ति मोहन का। निवृत्ति, कितनी देर पहले पहुंचे हैं, क्या चल रहा है, क्या बात हुई है? हम कह सकते हैं दीदी कि करीब पौना घंटा एक घंटा हुआ है जब वो यहाँ पे वृद्धाश्रम में पहुंचे हैं और उन्होंने यहाँ पर कनु भाई गांधी जो कि महात्मा गांधी के पोते हैं। और निवृत्ति, आपको रोक रही हूँ। देखिए, जब मीडिया के माध्यम से कनु भाई गांधी जी और शिवा लक्ष्मी जी की इस आश्रम के अंदर उपस्थिति देखी गई तो माननीय प्रधानमंत्री जी का मुझे आदेश मिला कि मैं यहाँ जाऊँ और उनसे मिलूँ और किन परिस्थितियों में वो यहाँ रह रहे हैं, क्या उनकी अपेक्षाएं हैं, क्या उनकी ज़रूरतें हैं, इस विषय पर मैंने उनसे बात की। और मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कनु भाई गांधी जी से बात करी, हालांकि वो बात गुजराती में थी तो, लेकिन उनके भाव से हम समझ रहे थे कि जिस तरह से आपने खुशनुमा माहौल के अंदर कनु भाई जी ने अपनी पुरानी यादें सुमित्रा बेन जी की समय की जो बातें करी, उनके लिए आत्मीय भावना का एक वो विषय था। और प्रधानमंत्री जी ने भी बड़े खुशनुमा माहौल में मुझे आदेश दिया है कि मैं इनकी पूरी स्थिति का स्थिति लेकर एक प्रधानमंत्री जी को मैं बताऊंगा और उसके बाद क्या आगे के कदम होंगे वो प्रधानमंत्री जी जैसा उचित समझेंगे फैसला लेंगे। प्रधानमंत्री जी गांधी स्मृति दर्शन समिति के चेयरमैन भी हैं और मैं समझता हूँ हम दोनों के बीच, प्रधानमंत्री जी और कनु भाई जी के बीच में जिस तरह से आत्मीय भाव से बात हुई है उसमें मुझे लगता है हम लोगों को कुछ नहीं, वो दोनों ही उन्होंने फैसला किया होगा वो जो कुछ। See, when this report was flashed through the media that Kanubhai Gandhiji and Shiva Lakshmi is living in this old age home, Prime Minister directed me to come here and to submit a report on that and what circumstances, what are the expectations of the country. तो प्रधानमंत्री ने महेश चंद शर्मा से कहा कि आप जाकर गांधी जी के पोते से मिलिए और प्रधानमंत्री और गांधी जी के पोते के बीच गुजराती में बात भी हुई।